गूगल एड्स के अंडर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल एड क्रिएशन एंड सर्च टाइप। बेसिकली आप कैसे गूगल एड क्रिएट कर सकते हैं जो कि सर्च टाइप का होगा। सर्च टाइप का मतलब जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं लेट्स से फोटोशॉप कोर्स और ये हमारे पास एड आ जाता है, तो ये सर्च टाइप का एड है कि कुछ हमने सर्च किया और गूगल पर ये एडवर्टीजमेंट आ गया। तो आपकी वेबसाइट हो सकता है नई वेबसाइट है, एसईओ नहीं हुआ है, गूगल अभी नहीं जानता है, बट एड के थ्रू आप टॉप पर आ सकते हैं। ओके, तो करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले हम एड अकाउंट में लॉगिन करेंगे ads.google.com, साइन इन। ये हमने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद यहां पर ये आप जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं यहां से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारी इसमें चीजें हैं, ग्रेजुअली धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है। जैसे यहाँ पर न्यू कैंपेन है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी। तो यहाँ से हम करेंगे शुरू न्यू कैंपेन एंड न्यू कैंपेन में यहाँ हम कुछ भी पिक कर लेते हैं। तो अभी हम पिक करने वाले हैं वेबसाइट ट्रैफिक और उसके बाद सर्च, एंड सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ वेबसाइट देनी है। तो यहाँ हम वेबसाइट टाइप करेंगे, ये हमने वेबसाइट यहां पर टाइप कर दी। उसके बाद ये एक ऑप्शन है स्टार्ट ट्रैकिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक एज वेबसाइट कन्वर्जन्स। बेसिकली करना क्या है आपको, ये कह रहा है कि भैया गूगल को आप अलाउ करो या आप एक कोड है गूगल का वो आप इनकॉर्पोरेट कर लो जिससे कि आपकी वेबसाइट पे जो कन्वर्जन हो रहे हैं, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो ट्रैक हो पाएंगे, गूगल उन्हें ट्रेस कर पाएगा। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, आगे जाते हैं कॉन्टिन्यू में। इसके बाद न्यू कैंपेन न्यू ऑटोमेटिकली सेव्ड एज ड्राफ्ट, न्यू कैंपेन्स नाउ ऑटोमेटिकली सेव्ड एज ड्राफ्ट। तो नई कैंपेन अभी आपका ड्राफ्ट सेव हो गया, अगर आप छोड़ के चले भी जाते हो और आप जब दोबारा आओगे तो आपको यहीं से मिलेगा। एग्जिट गाइड इसको हम कर देते हैं, डू यू वॉन्ट दैट यू वॉन्ट टू एग्जिट द गाइड, गो बैक, और यहां से जब आप क्लिक करेंगे तो ये इनकी गाइड खुल जाएगी, गेट स्टार्टेड, स्किप फील्ड। तो ये आप फील्ड स्किप कर सकते हैं, ये इनका ट्यूटोरियल है छोटा सा। नेक्स्ट नेविगेशन बिटवीन स्टेप्स, अगर नेविगेशन करना है तो ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि भैया एक से दूसरे पे जंप करना है तो राइट। तो अब सबसे पहली चीज जो हमें देनी है कैंपेन का नाम देना है, तो हमने डाला ट्रैफिक सर्च, याद रखने का सिंपल तरीका है टेस्ट एड 24 जून 20, तो याद रहेगा 24 जून 2020 को ये हमने टेस्ट हमने इसका नाम दिया। आप और भी कोई नाम दे सकते हैं कि ये एड बनाया था, ट्रैफिक एड है, सर्च टाइप है। सर्च नेटवर्क डिस्प्ले नेटवर्क, तो अभी हम डिस्प्ले नेटवर्क को हटा देंगे। डिस्प्ले नेटवर्क की बेसिकली जो बाकी साइट्स हैं उन पर भी आपका एड दिखाई देगा गूगल के अलावा, तो इसको अभी हमने हटा दिया, हम सिर्फ अभी सर्च समझना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है शो मोर सेटिंग, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग है जिसमें आप स्टार्ट एंड एंड डेट डिसाइड कर सकते हैं आप जब से रन करना चाहते हैं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, तो ये जब आप ट्रैक करना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट पर पर्सन एक्सेस एक्शन ले रहा है ये उसके लिए है। डायनामिक सर्च एड सेटिंग, तो डायनामिक सर्च एड क्या होता है, बेसिकली कि आप इन गूगल को कई सारे कॉम्पोनेंट देते हैं, अलग अलग हेडलाइन और अलग अलग कंटेंट, गूगल देखता है कि भी इसमें से बेस्ट कौन सा है, कस्टमाइज करके डिफरेंट डिफरेंट रन करता है और जो आपका बेस्ट होता है वो चलने लगता है राइट। तो डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, एंटर द डोमेन, जब आप ये देखिए डायनेमिक सर्च एड जो है वो दूसरी चीज क्या है कि ये टारगेट करते हैं जो कि रेलेवेंट सर्चेज हैं आपकी वेबसाइट के हिसाब से उसको देखकर राइट।
और आपकी जो कस्टमाइज्ड हेडलाइन है वो यूज करते हैं। ओके तो अभी हम यहां पर सिर्फ डोमेन दे देते हैं, लेट्स सी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर है लोकेशन का, आप लोकेशन चूज कर सकते हैं कि किस लोकेशन में दिखाना है और किस लोकेशन में नहीं दिखाना है, विच मीन्स आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं इंक्लूड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज एक्सक्लूड, तो मैं चाहता हूँ सारी कंट्रीज में दिखाई दे, बट मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट पाकिस्तान में शिप नहीं होता, तो मैं यहाँ पर एक्सक्लूड पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन टारगेट और एक्सक्लूड, वेट अ मिनट, इंडिया, एंटर अनदर लोकेशन पाकिस्तान, और यहां पर हमें क्या करना है, इसे एक्सक्लूड कर देना है। तो ऑल कंट्री सबको दिखाई देगा और पाकिस्तान में नहीं दिखाई देगा। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं अनदर लोकेशन में जाकर, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में दिखाना चाहते हैं तो दिल्ली, और उसके बाद आप यहां से टारगेट कर सकते हैं या इसका नियर बाय या एक्सक्लूड कर सकते हैं। या आप एक पर्टिकुलर पिन कोड को लेकर दिखाना चाहते हैं तो आपको सिंपली वो पिन कोड एंटर करना है, पिन कोड एंटर करते ही उसको आप टारगेट कर लीजिए। तो आपने मान लीजिए अपने आसपास के 10 एरिया में दिखाना चाहते हैं, एक में नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन सारे सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आप यहाँ चूज कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज के यहाँ ऑप्शन दिए उनमें से, जिस लैंग्वेज वालों को आप ये दिखाना चाहते हैं ऐड। तो अभी ये बाई डिफॉल्ट इंग्लिश है, इसको हम एज इट इज छोड़ रहे हैं। हिंदी भी हम ऐड कर सकते हैं, इंडिया में ऐड दिखाना है तो लेट्स से हमने हिंदी ऐड कर दिया। देन ऑडियंस, इसको आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ सकते हैं, किस तरह की ऑडियंस आपको चाहिए। जैसे कि आपने लिख दिया शॉपर, तो देखते हैं शॉपर से क्या आता है। वो लोग जो ज्यादा शॉपिंग करते हैं, वैल्यू शॉपिंग करते हैं और लग्जरी शॉपिंग करते हैं, तो ये अलग अलग आ गया, ये इनकी हैबिट के हिसाब से, राइट। अब मुझे शॉपर नहीं चाहिए, लेट्स से टीचर, तो यहां पर मैं टीचर्स को टारगेट कर सकता हूं। ये पेरेंट्स आ गए और ये यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड आ गए, तो यहां पर आप अपने ऑडियंस को नैरो कर सकते हैं। ओके ऑडियंस के बाद इनको आप टारगेटिंग कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये लेट्स से नैरो तो नहीं करेगा बट ऑब्जर्व करता रहेगा, भैया इस तरह की ऑडियंस क्या एक्शन ले रही है, और उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या आपको बजट बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए इनकी जो बिड है। नेक्स्ट जो इसमें चीज है वो है बजट, कि आप प्रतिदिन कितना स्पेंड करना चाहते हैं। तो शुरुआत के लिए लेट्स से हमने कर दिया 500 रुपये, अच्छा बजट है 500 रुपये। और सबसे ज्यादा हम क्या फोकस करना चाहते हैं, क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर, तो हम क्लिक्स पे जाना चाहते हैं। और यहां पर आप एक मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक भी सेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक कर दी लेट्स से हमने 300 रुपये। इसके बाद यहां पर कुछ और सेटिंग अगर आप देखना चाहें, कि एड को आप शेड्यूल करना चाहते हैं, रोटेशन आप मल्टीपल ऐड बनाए कि भैया सबसे बेस्ट ऐड ज्यादा दिखाई दे, ये आप करना चाहते हैं। और कन्वर्जन ट्रैकिंग, बेसिकली गूगल का कोड अपनी साइट पे लगाना जिससे कि गूगल कन्वर्जन ट्रैक कर पाए। इसके बाद यहां पर कुछ चीजें हैं ऐड एक्सटेंशन, जो मैं आपको दिखा देता हूं होती क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा। लेट्स से एंड ये देखिए, जैसे ये हमने सर्च किया कार इंश्योरेंस, तो ये यहां पर ये एक्सटेंशन है दो, जैसे यहां हमसे एक्सटेंशन ये पूछ रहा है कि आप अलग अलग एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं, तो ये एक्सटेंशन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सीधे पॉलिसी के फीचर और बेनिफिट पे आप पहुंच जाते हैं, राइट। ये देखिए, तो उससे क्या है कि पर्सन डायरेक्टली वहीं पहुंचता है जहां वो पहुंचना चाहता है। ये ऐड नहीं है पर आप यहां देख सकते हैं एक तरीके से ये एक्सटेंशन है। और दिखाते हैं आपको फोटोशॉप कोर्स, ये देखिए एक्सटेंशन देख रहे हैं। और आप इसमें जैसे कि दो तीन तरह की दी भी है, साइट लिंक एक्सटेंशन, तो ये तो होगी साइट लिंक एक्सटेंशन।
कुछ होती है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन का मतलब है, लेट्स से आइल्स क्लासेस नियर मी, अगर ऐड होगा और कॉल आउट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए लोकेशन दे रखी है। सिमिलरली कुछ लोग कॉल आउट देते हैं लेकिन वो सिर्फ मोबाइल पर दिखाई देगा, जब आप मोबाइल से सर्च करेंगे तो किस तरह से कॉल करनी है। तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट ऐड ग्रुप का नाम देना है, तो अभी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। किस एग्जैक्ट यूआरएल्स को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो अभी हम यहां कुछ नहीं करने वाले। ऑल वेब पेजेस को इसको यहीं छोड़ देते हैं, ऑल वेब पेजेस। उसके बाद अगर आप दूसरा ऐड ग्रुप बनाना चाहते हैं यहां से बना सकते हैं, उसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हम बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे काम करता है। अब यहां आ गया ऐड, अब हमें बनाना ऐड, न्यू ऐड। इस पे यहां से हमारा न्यू ऐड बनेगा, जिसके लिए हमें क्या करना है, यहां डिस्क्रिप्शन देना है। ये अभी यूआरएल हमारा अपने आप जनरेट होगा, डायनेमिकली जनरेट होगा। इसको चाहो तो आप देखने के लिए वापस भी जा सकते हो। यहां वापस चले गए और एग्जैक्ट यूआरएल में हमने डाल दिया ये delhomedeals.com, सेव एंड कंटिन्यू एंड देन न्यू ऐड। तो जब हम न्यू ऐड में आएंगे, ऐड यूआरएल ऑप्शन, ट्रैकिंग टेम्पलेट इसको छोड़ देते हैं अभी, डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स से गेट द बेस्ट प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर, ये ऐसे ही लिखा दिखाई देने वाला है, 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर देखना है कि बेस्ट क्या लिखना है, आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ऐड देखिए उन्होंने क्या लिखा है। जैसे ये लिखा है 20+ years ऑफ कंबाइंड यूएस एक्सपीरियंस, गेट स्टार्टेड, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस, फ्री डेमो क्लास, राइट। उन्होंने लिखा है हंड्रेड्स हैव ऑलरेडी बिगन ऑनलाइन फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम, कि भैया बहुत सारे लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन, अपने घर से बैठ के कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, अभी शुरू करिए। और मॉक टेस्ट हो रहा है सैटरडे 1-to-1, सैटरडे को मॉक टेस्ट होगा और 1-to-1 स्पीकिंग सेशंस भी है, और ये साइट लिंक एक्सटेंशन दे रखी है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको 8-10 एडवर्टीजमेंट देखने अपनी ट्रेड के, और उनसे जो बेस्ट टेक्स्ट है वो आपने लेना है और यहाँ लिखना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी जो लाइन है वो लिख देंगे, बेस्ट रिजल्ट गारंटेड, क्लिक नाउ टू नो मोर। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको ना यहाँ पर ये छोटा सा दिखता रहेगा कि कितने आपके पास स्पेस बचा है और कितना टोटल है। टोटल 90 कैरेक्टर्स का स्पेस है, 71 इसमें यूज हो चुके हैं, 47 यहाँ यूज हो चुके हैं। तो जरूरी नहीं है हर बार आप 90-90 कंज्यूम भी करें, डिपेंड करता है आपका जो मैटर है, जो आपने बनाया है, जो आप लिखने वाले हो कैसा निकल के आया है, बेस्ड ऑन आपका बिजनेस क्या है नंबर वन, और आपके जो रेलेवेंट बिजनेस है, जो दूसरे बिजनेस है वो क्या ऐड में प्रमोट कर रहे हैं नंबर टू, और तीसरा आपका जो कस्टमर है वो क्या ढूंढ रहा है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। उसके बाद डन कर दिया हमने एंड देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, और ये हमारा ऐड बन गया। तो ये तरीका है ऐड बनाने का। बेसिकली अभी ये यहाँ पर कह रहा है कि भी आपको पहले अल्टीमेटली कैंपेन सेटिंग, तो कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, आपको ना कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, कैंपेन टारगेटिंग फिक्स करनी पड़ेगी, कन्वर्जन फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ जाकर हम फिक्स भी कर देते हैं, लेट्स से लो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड, आप अपनी टारगेटिंग बेटर कर लीजिए और एक्सटेंशन लगाइए, एक्सटेंशन नहीं लगाइए। लेकिन इसके बाद आप अगर लगाना करना चाहते हैं, ये जस्ट दिखाने के लिए था, आपको पब्लिश पे क्लिक करना, आपका ऐड चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पर तो ये चालू नहीं होगा,
क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हमने कोई पैसे नहीं ऐड कर रखे, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं लगा रखा, लेकिन तरीका ये है, जैसे यहाँ पर अभी आपको इनेबल दिखा रहा है, राइट। तो ये हमारा ऐड बनकर तैयार हो चुका है, आगे हम दूसरी तरह के ऐड कैसे बनाए जाते हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन ये हमारा रेडी हो गया है। ओके, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है सर्च टाइप से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं। ऑल राइट।